विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर एक फोर डिजिट्स का नंबर दिया है, ये बी बी, ये फोर डिजिट का एक नंबर है। दिस इक्वल्स सी स्क्वायर, ये एक नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। फोर डिजिट्स का नंबर एक नंबर का परफेक्ट स्क्वायर दिया है, तो वो है सी स्क्वायर। देन हमें फाइंड आउट करना है सी का वैल्यू क्या है। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले ये बी बी इक्वल सी स्क्वायर एक गिवन है। ये अगर फोर डिजिट का नंबर है तो फर्स्ट वन क्या है, यूनिट डिजिट है ना। तो और एक बार लिख लेंगे ये बी बी, तो अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो ये क्या है, फर्स्ट डिजिट है, मतलब वन इंटू बी, ठीक है। तो ये क्या है, टेंथ डिजिट है, मतलब 10 इंटू बी। ये थर्ड वन क्या है, हंड्रेड डिजिट है, मतलब 100 इंटू ये है। तो लास्ट वन फोर क्या है, थाउजेंड डिजिट है, मतलब 1000 इंटू ये, ठीक है। तो सब प्लस में ये, तो ये बी बी ये क्या होते हैं, सबसे पहले ये का लास्ट का लिखेंगे, ये थाउजेंड ये बनते हैं, ये थर्ड वन क्या है, हंड्रेड ये बनते हैं, और सेकंड वन क्या हुआ है, टेन इंटू बी बनते हैं, और फर्स्ट वन क्या बनते हैं, वो ओनली वन बी बनते हैं, ओके। तो इन दोनों का अगर समेशन किया तो 1100 ये बनते हैं, यहाँ पर इन दोनों का समेशन किया तो 11 बी बनते हैं। तो इसका मतलब ये बी बी इक्वल्स 1100 ये प्लस 11 बी। ये बी बी इज इक्वल्स टू क्या आ रहे हैं, 1100 ये प्लस 11 बी। तो इसमें 1100 इसमें 11 इसमें भी कॉमन है, इस 11 इसमें भी कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, 11 इसमें कॉमन लेंगे, तो रिमेनिंग रहेगा यहाँ पर 100 ये प्लस बी। इसका मतलब ये 100 ये प्लस क्या है, 11 का एक फैक्टर है, तो ये 11 से डेफिनेटली ये डिवीजन हो जाएगा, तभी ये 11 एक बाहर आया तो ये 11 स्क्वायर बनते हैं, ठीक है। तो ये 100 ये प्लस बी को 11 का अगर फैक्टर है, मस्ट भी 100 11 का फैक्टर, तो इसको हम ऐसा कर लेंगे, 11 यूजर रखेंगे, ये 100 को हर एक बार, ये तो 11 से भाग हो रहे, तो इसको और नज़दीक अगर लाया तो 100 को 99 ये करेंगे, यहाँ पर प्लस 1 ये करेंगे, तो 100 ये बनते हैं, ये आगे का भी यूजर रखेंगे, तो ये तीनों भी ये सेम ही है, 100 ये प्लस बी मीन्स 99 ये प्लस बी, तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि 99 ये तो 99 तो 11 का एक फैक्टर है ही है। तो अभी यहाँ पर हमें 11 ए प्लस बी 100 या 11 का फैक्टर है, ये समझ लेंगे, ये इजी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये अगर 11 का फैक्टर है तो इसमें से एक 11 बाहर आ जाएगा, तो इसके साथ मिलके स्क्वेयरिंग बनेगा, नहीं तो अदरवाइज बनता ही नहीं। तो इसका मतलब ए प्लस बी मस्ट बी 11 का फैक्टर है। तो 11 का फैक्टर क्या क्या आता है, 11 का फैक्टर 11 का टेबल्स में जो आता है सब आता है, 11 आता है, 22 आता है, 33 आता है, 44 आता है, अप टू 11 का फैक्टर, 11 का टेबल में जो भी आता है वो 11 ए प्लस बी का एक फैक्टर है, ठीक है। तो ए प्लस बी क्या है, हमारे पास तो ये डिजिट्स है ए प्लस बी, तो ये का वैल्यू हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें से ही हम यहाँ पर रख सकते हैं, हम दूसरा तो इनको छोड़ के कुछ है ही नहीं। तो इन दोनों अगर समेशन अगर 11 है, 22 है, 33 है, 44 इसमें क्या आ रहा है, ये दोनों का समेशन अगर करके देखो, सपोज इन दोनों का समेशन किया, 1 प्लस 2 किया तो 3 बन रहे, तो 2 प्लस 3 किया तो 5 बन रहे, 3 प्लस 4 किया तो 7 बन रहे, 4 प्लस 5 किया तो 9 बन रहे, 5 प्लस 6 किया तो 11 बन रहे, इधर एक फैक्टर बन रहा है, तो 6 7 किया तो 13 बन रहे, 7 इंटू 8 प्लस किया तो 15 बन रहे, इन दोनों का समेशन किया तो 17 बन रहे। देखो उल्टा भी आ जाओ, 9 8 17 बनते हैं, 8 7 15 बनते हैं, तो 11 के फैक्टर इसमें ये एक 11 छोड़ के बाकी का 22 33 44 आ ही नहीं सकते,
ये खाली आप कौन से भी नंबर ये कर दो, ये 3 + 8 कर दो 11 आ जाएगा, 2 + 9 कर दो 11 आ जाएगा, 4 + 7 कर दो 11 आ जाएगा, 5 + 6 कर दो 11 आया है, तो सब क्या भी कर दो 11 आ जाएगा, लेकिन 11 से आगे जो 22, 33 जो है ना ये आ ही नहीं सकता है, क्योंकि सबसे मैक्सिमम 17 ही आता है, दोनों ए प्लस बी अगर समेशन किया तो 17 ही आता है, इसका मतलब ए प्लस बी इज 11। ओके, तो हम ए प्लस ए कंक्लूड में आ गया, ए प्लस बी का वैल्यू 11, तो इसकी जगह में अगर हम 11 रखा तो क्या आता है देखो, तो ए बी बी इक्वल्स 11 टाइम्स 99 ए प्लस 11 कर दो इसको, तो इन दोनों में 99 ए प्लस 11 में हर एक 11 कॉमन आ रहा है, तो 11 इंटू 11 कॉमन ले लो, तो 9 ए यहाँ पर प्लस 1 रिमेनिंग रहेगा ब्रैकेट क्लोज, तो ये 11 इसमें किसके साथ जोड़ दो, ये बाहर ले लो, तो 11 इंटू 11 बनेगा, तो इंटू 9 ए प्लस 1, तो इसका मतलब 11 स्क्वेयर इंटू 9 ए प्लस 1 आ जाएगा, तो ये 11 का स्क्वेयर हो गया, ये बी बी इज 11 स्क्वेयर इंटू 9 ए प्लस 1, लेकिन यहाँ पर रिमेनिंग रह रहे 9 ए प्लस 1, अगर ये नहीं रहता था तो सी स्क्वेयर का वैल्यू 11 स्क्वेयर बनता था, है ना, तो अभी यहाँ पर 9 ए प्लस 1 एक बच रहे हैं, तो इसका मतलब 9 ए प्लस 1 इज ऑल्सो स्क्वेयर ऑफ दिस ए बी बी, इसका एक स्क्वेयर है, कंप्लीट परफेक्ट स्क्वेयर है 9 ए प्लस 1, तो तभी ये 9 ए प्लस 1 परफेक्ट स्क्वेयर रहने के बाद ये दोनों मिल के ए सी स्क्वेयर परफेक्ट इसका परफेक्ट स्क्वेयर बनेगा, तो हमें मिला 9 ए प्लस 1 इक्वल्स क्या बनता है, एक परफेक्ट स्क्वेयर नंबर बनना चाहिए, तो ये क्या है हमने पहले ही बताया, ये इस 1 2 जो यूनिट डिजिट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये की जगह में अगर 1 रखा तो 9 × 1 + 1 क्या आ रहा है 10 + 1 11 आ रहा है, ये परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, अगर वी का वैल्यू 1 रखा तो नहीं बन रहा है, तो 2 रख के देखो 9 × 2 + 1 तो 9 × 2 = 18, 18 + 1 = 19 बनता है, ये 19 भी परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, 9 ए + 1 परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, तो ये दोनों हो गया, तो लास्ट थर्ड 9 × 3 रखो प्लस 1 इक्वल्स क्या बनता है 9 × 3 = 27 + 1 = 28 बन रहे हैं, ये भी परफेक्ट स्क्वेयर इसका नहीं है, तो ये भी गया, तो 4 रखो ना ए के जगह में 9 × ए, ए मीन्स 4 रखो प्लस 1 इक्वल्स 9 × 4 = 36 + 1 = 37 बनते हैं, 37 भी किसी का परफेक्ट स्क्वेयर किसी का नहीं है, तो 4 गया, अभी 5 रखो 9 ए के जगह में 9 × 5 + 1 इक्वल्स 9 × 5 = 45 + 1 = 46 बनते हैं, ये 46 भी किसी नंबर का स्क्वेयरिंग का परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, तो ये 5 भी गया, 6 देखो 9 × 6 + 1 इक्वल्स क्या हो रहा है, ठीक है ये 55 भी किस नंबर का भी परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, तो हम कहाँ तक आ गया, ये का वैल्यू 6 रहने तक आया, तो यहाँ पर अभी 7 बचा है, तो 9 × 7 रख के देखो प्लस 1 कितना बनते हैं 9 × 7 = 63 + 1 ये 64 बन रहे हैं, यस ये एक परफेक्ट स्क्वेयर है, किसका परफेक्ट स्क्वेयर है 8 स्क्वेयर का परफेक्ट स्क्वेयर है, तो ठीक है ये का एक मिल रहे हैं, तो 9 की जगह ये की जगह में ये की जगह में 8 रख के देखेंगे, 9 की जगह में 7 रखे तो भी परफेक्ट स्क्वेयर बन गया, तो 8 की जगह 8 रखे तो क्या बताए देखो 9 × 8 + 1 इक्वल्स इंटू मतलब 73 बनता है, ये भी परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, अभी बचा है लास्ट का 9, तो 9 × 9 रखो प्प्लस 1 तो 9 × 9 = 81 + 1 मीन्स 82 बनता है, 82 भी किसी का परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, ओनली 9 × 7 + 1 इज 64, तो ये का वैल्यू अगर हम 7 रखा तो ये 64 बन रहे, 64 इज द परफेक्ट स्क्वेयर ऑफ 8। ओके, तो यहाँ पर 9 ए + 1 हमारे पास क्या मिल रहा है 64 मिल रहा है, तो यहाँ पर मैं नोट डाउन कर लेता हूँ 9 ए + 1 इज इक्वल टू 64, तो यहाँ पर है ये 9 ए + 1 इज इक्वल टू 64 मिला हमें, तो ये 1 ये साइड में लाओ तो 9 ए इक्वल्स 64 - 1 मतलब 63 बनते हैं, तो दोनों में 9 से अगर डिवाइड किया तो ये 9 ए 9 कट हो जाएगा, ये इक्वल्स 7 बनते हैं, तो हमें मिला ए का वैल्यू मिला,
तो यहाँ पर ये का वैल्यू क्या है, ये का वैल्यू मिला तो बी का वैल्यू क्या होता है, ए प्लस बी इज एलेवन है, इसके जगह में अगर ए प्लस बी एलेवन है तो ये का जगह में भी सेवन रखा तो बी का वैल्यू हमें ऑटोमेटिक मिलेगा बी इक्वल्स एलेवन माइनस सेवन, मतलब बी का वैल्यू फोर। तो ये का वैल्यू सेवन आ रहा है, बी का वैल्यू फोर आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या रख रहे हैं, यहाँ पर ये का वैल्यू क्या है, सेवन है, तो यहाँ पर हम सेवन रखेंगे और ये दोनों सेम है, ये है तो ये भी सेवन रहेगा, बी का वैल्यू फोर आ रहा है तो ये फोर आ रहेगा, तो ये भी बी बी है तो सेम ही है दोनों, दोनों सेम है, ये बी बी, तो ये अगर सेवन रहे तो ये भी सेवन रहेगा, ये अगर फोर रहे तो ये भी फोर ही रहेगा, तो इसका मतलब ये डबल सेवन डबल फोर आ गया। आगे क्या आ रहा है इसमें देखेंगे, ये का वैल्यू क्या मिला, ये सेवन मिला और बी इक्वल्स फोर मिला, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए, ये बी बी इज इक्वल्स टू एलेवन स्क्वेयर इंटू नाइन ए प्लस वन, नाइन में प्लस वन में 64 होते हैं तो हम एलेवन स्क्वेयर एज़ुअल रखेंगे, इसके जगह में 64 रखेंगे, तो एलेवन स्क्वेयर इंटू 64 मीन्स 8 स्क्वेयर बनता है, यहाँ पर ए टू द पावर ऑफ एक्स इंटू बी टू द पावर ऑफ एक्स के जैसा है तो ये इंटू बी होल टू द पावर ऑफ एक्स बनता है, ये आइडेंटिटी अगर यहाँ पर यूज किया तो एलेवन इंटू 8 होल स्क्वेयर बनता है, तो दिस इक्वल्स 11 8s are 88 होल स्क्वेयर। तो ये बी बी इक्वल 88 स्क्वेयर बन रहे हैं, तो ये क्या है, सेवन सेवन है, तो ये सेवन ए सेवन, ये फोर ये फोर, इसका मतलब देयर फोर यहाँ पर क्या आ रहा है, सेवन सेवन फोर फोर इज इक्वल्स टू 88 स्क्वेयर, तो इसका मतलब सी का वैल्यू क्या है, ये 88 क्या है, सी है ना, तो इसका मतलब सी देयर फोर सी इक्वल्स 88, हमें सी का वैल्यू फाइंड आउट करना था ना, तो सी का वैल्यू क्या है, 88। तो ए का वैल्यू सेवन, बी का वैल्यू फोर और सी का वैल्यू 88, तब ये बनता है। अभी आप परफेक्ट देखो, डबल सेवन डबल फोर का परफेक्ट स्क्वेयर 88 स्क्वेयर, 88 स्क्वेयर मीन्स डबल सेवन डबल फोर ही बनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।